मिलना चाहो भाग्य बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते नए आसान रास्ते। तो नमस्कार, भारतीय खेती की व्यवस्था में जो मुख्य कृषि आदान है उसमें सबसे पहले बीज हैं, फिर फर्टिलाइजर है और तीसरा स्थान है पेस्टिसाइड का। अभी जो भारतीय कृषि में पेस्टिसाइड का यूज़ होता है वो पूरी दुनिया में जो सबसे कम उपयोग करते हैं देश, उनकी श्रेणी में भारत आता है। प्रति हेक्टेयर हमारे यहाँ लगभग 0.28 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पेस्टिसाइड यूज़ होता है, जबकि अमेरिका में 4.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चाइना में 13 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ब्राज़ील में 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और जापान में लगभग 11 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पेस्टिसाइड का उपयोग होता है। कम पेस्टिसाइड का उपयोग होने का कारण ये है कि हमारे जो किसान हैं उनमें पेस्टिसाइड खरीदने के लिए उतना पैसा नहीं होता है जितने की आवश्यकता होती है, इस वजह से वो कम उपयोग करते हैं और किसानों की लगभग 20-25% फसल इन पेस्टिसाइड के उपयोग न करने से ख़राब हो जाती है। और भारत सरकार निरंतर ये कोशिश कर रही है कि इस ख़राब फसल को रोका जाए, क्योंकि इससे न केवल किसानों को नुकसान होता है बल्कि देश को भी एक बड़ा नुकसान होता है। और इसी वजह से हमारे यहाँ एग्रोकेमिकल्स की इंडस्ट्री को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उसके लिए इंसेक्टिसाइड एक्ट 1967 और उसके तहत बने नियम 1971 प्रभावशील हैं और भारत सरकार ने एक नया पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया हुआ है और उसमें काफ़ी सारे नए प्रावधान किए जाना है। अभी जो नियम लागू हैं उसके तहत कोई भी नया मॉलिक्यूल जारी करने के लिए हमें भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ती है, उसके वितरण के लिए केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से और फिर हर ज़िले के उपसंचालक कृषि से लाइसेंस लेना और अनुमति लेना अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद ही पेस्टिसाइड का काम किया जा सकता है। जो लोग पेस्टिसाइड का काम रिटेल में करते हैं उनको उपसंचालक कृषि से लाइसेंस लेना होता है और उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन BSc AG, BSc Biology या BSc Social Forestry होना आवश्यक है। अगर ये डिग्री नहीं है तो उन लोगों को लाइसेंस नहीं मिलता है। अभी हम ये देखें कि किस तरह के पेस्टिसाइड होते हैं, तो मुख्य रूप से 6 तरह के पेस्टिसाइड होते हैं। संपूर्ण को 6 कैटेगरी में विभाजित किया जा सकता है। इसमें इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, बायोपेस्टिसाइड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और रोडेंटिसाइड्स मुख्य रूप से होते हैं। सबसे ज़्यादा जिन का उपयोग होता है उसमें इंसेक्टिसाइड का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, इसके बाद फंगिसाइड और हर्बिसाइड का उपयोग होता है, बाकी का बहुत कम उपयोग अभी हमारे यहाँ फसलों में किया जा रहा है। वर्तमान में 125 से अधिक टेक्निकल ग्रेड प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां हमारे यहाँ काम करती हैं और लगभग 800 से ऊपर फॉर्मुलेटर्स हैं जो फॉर्मूला के आधार पर पेस्टिसाइड बनाते हैं और लगभग 150,000 के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स हैं जो पूरे देश में पेस्टिसाइड के व्यापार में लगे हुए हैं। भारत इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश होने के बावजूद भी यहाँ पिछले 73 सालों में कोई भी मॉलिक्यूल
भारत में विकसित नहीं किया गया। जितने भी पेस्टिसाइड हम उपयोग करते हैं मॉलिक्यूल्स, वो सब उनका जो विकास है या उनकी रिसर्च है वो विदेशों में की गई है और वहाँ से यहाँ लाकर उनको बेचा जाता है। जब मल्टीनेशनल कंपनियाँ अपनी रिसर्च हिंदुस्तान लाती हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है और इसी वजह से पेस्टिसाइड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरे, जो हमारे यहाँ चूँकि विदेशी कंपनियाँ या मल्टीनेशनल कंपनियाँ हमेशा मोनोपोली में काम करती हैं और सभी को उसके उत्पादन की अधिकार नहीं देती हैं, इस कारण जो कम क्वालिटी के या नकली प्रोडक्ट या बहुत घटिया जो प्रोडक्ट हैं वो भी बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं। भारत सरकार के सर्वे के अनुसार लगभग 58% जो पेस्टिसाइड हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में नकली या कम गुणवत्ता के पाए गए हैं। तो जब हम नकली या कम गुणवत्ता के पेस्टिसाइड किसान उपयोग करते हैं तो इससे किसानों को खर्चा तो पूरा करना पड़ता है पर उनके उत्पादन पर कोई असर नहीं होता है और बहुत बार उनकी फसल खराब हो जाती है। तो इससे दिक्कत ये होती है कि किसानों को पता नहीं होता है कि उनको नकली प्रोडक्ट मिल रहे हैं, क्योंकि जो लाइसेंसधारी कंपनियां हैं और जो लाइसेंसधारी व्यापारी हैं वही इन प्रोडक्ट को बेचते हैं। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक उत्पादक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आया और उनने मुझे जो बताया कि अगर हम 100 रुपये का उनका प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो उसमें से 60 रुपये मार्केटिंग के लिए या दूसरे खर्चों के लिए दे देंगे। तो अगर सोचिए, अगर 100 रुपये का कोई उत्पाद है और उसमें 60 रुपये वो केवल मार्केटिंग के खर्चे पे या लॉजिस्टिक खर्चे पे लगा रहे हैं तो 40% में किस तरह की क्वालिटी वो दे रहे होंगे और उसमें 40% में उनने अपना प्रॉफिट भी जोड़ा होगा। तो पेस्टिसाइड जो बनते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जेनेरिक होते हैं और दूसरे पेटेंटेड होते हैं। तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन है वो जेनेरिक पेस्टिसाइड का ही होता है। पेटेंटेड प्रोडक्ट भी हमारे यहाँ बनते हैं पर उनका परसेंटेज कम है। तो अभी जैसे जो पेस्टिसाइड की वितरण की व्यवस्था है उसके आधार पर किसानों को उत्तम गुणवत्ता के पेस्टिसाइड कैसे मिलें और किस फसल में किस पेस्टिसाइड का उपयोग किस मात्रा में किया जाए इसकी बहुत कम जानकारी होती है, क्योंकि कृषि विभाग जो एक्सटेंशन का काम करते हैं उनके पास अब इतने स्टाफ नहीं हैं कि वो इस काम को कर सकें। तो मुख्य रूप से जो दुकानदार हैं वही किसानों को समझाते हैं जब किसान अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते हैं। कई बार किसान फसल उखाड़ के लाते हैं, कई बार वो अपने अब मोबाइल फ़ोन में फोटोग्राफ्स लाते हैं और वो फिर दुकानदार से पूछते हैं कि इस बीमारी के लिए या इस कीड़े के लिए कौन सी दवाई वो देंगे। तो ज़्यादातर दुकानदार जिन प्रोडक्ट में उनको ज़्यादा कमीशन मिलता है वही प्रोडक्ट वो सजेस्ट कर देते हैं और उनकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ किसानों को ये समझना चाहिए कि वो जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदें तब उसके बारे में पूरी जानकारी रखें कि इसको किस मौसम में कितनी मात्रा में किस तरह से तैयार करके छिड़काव करना है, घोल बनाना है, कोई और प्रोडक्ट इसमें मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं, ये सब जानकारी उनको होना चाहिए। ज़्यादातर कंपनियां ये जानकारी अपने डिब्बे के ऊपर या पैकिंग के ऊपर छापती हैं पर मुश्किल यह है कि वो जानकारी अंग्रेजी में छपी होती है और ख़ास तौर से उत्तर भारत के किसानों को उससे कोई ज्ञान हासिल नहीं होता है। तो ज़्यादातर किसान जब पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं अगर उसकी सावधानियां और उसकी जानकारी स्थानीय भाषा में रीजनल लैंग्वेजेस में मिलने लगे तो किसान उसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अभी बहुत सारे नए स्टार्टअप हैं जो किसानों को इस तरह की जानकारियां दे रहे हैं और बहुत सारे वीडियो चैनल्स हैं, सोशल मीडिया की साइट हैं जहाँ पर पेस्टिसाइड के उपयोग की जानकारी
मिल रही है। तो किसानों को ये चाहिए कि जब भी वो कोई पेस्टिसाइड खरीदें उसके बारे में पूरी जानकारी लें कि इसका फार्मूला क्या है, किस तरह से ये काम करता है, कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है, उसका ब्रांड नेम क्या है, उसकी कीमत क्या है, कीमत की वो तुलना भी कर सकते हैं, और तुलना करने के बाद जब भी वो ख़रीदें तो उसका बिल ज़रूर लें, क्योंकि ज़्यादातर किसानों को पेस्टिसाइड दुकानदार उधार देते हैं और ये नकली या कम गुणवत्ता के पेस्टिसाइड होते हैं जो दुकानदार उधार देते हैं, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता के पेस्टिसाइड जो दुकानदारों को खुद नगद पर मिलते हैं वो उधार नहीं दे पाते हैं। तो किसानों को उधार लेने से बचना चाहिए, उचित मात्रा में ही पेस्टिसाइड का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा करते हैं या बहुत कम करते हैं तो दोनों ही अवस्थाओं में उसका असर उतना नहीं होता है जितना खर्चा हम करते हैं। तो नकली पेस्टिसाइड जब भी किसानों को बेचा जा रहा है या लालच दे के कम कीमत में या उधार करके बेचा जा रहा है तो किसानों को इसकी जानकारी सरकारी एजेंसी को देना चाहिए। अगर बिल उनके पास है और उनकी फसल ख़राब हो जाती है किसी तरह से तो भी वो उपभोक्ता फोरम में जाके अपनी बात रख सकते हैं। नकली पेस्टिसाइड को बाज़ार से दूर करने का एक ही तरीका है कि किसानों में ये जागरूकता आए, और ई फसल कंपनी जो है वो इस तरह का काम कर रही है और उचित गुणवत्ता के प्रोड्यूस ही मार्केटिंग करती है। तो जिन किसान भाइयों को या दुकानदारों को अपना बिजनेस पेस्टिसाइड में करना है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम लोग उनको उचित गुणवत्ता के प्रोडक्ट उचित मूल्य पर उपलब्ध कराते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप ई फसल की वेबसाइट पर या हमसे संपर्क करके जान सकते हैं। धन्यवाद।